बाहर तो चल रहा है बहुत ही जोरों की बारिश, क्या बताओ दोस्तों। और हम लोग जो अभी आ चुके हैं गोलू के घर, गोलू किशोरी और ये जो गोपाल का नाम है, इस गोपाल का नाम है गोगोल सोना। इनको मिलकर स्वागत है ऐसे नए व्लॉग में। लोग रात ही रहते हरे कृष्णा, कैसे हो कमेंट करके बता देना। तो फिर आज जो है फ्राइडे है और आज हम लोग जाने वाले है सिरमपुर कुन्नगर रिसरा। और आप लोग को पता है मैं कितने बजे नींद से उठा हूँ आज, मतलब अभी बज रहे हैं 4:30। हमारा जो ट्रेन है वो 6:30 में या 7:20 में हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। तो फिर हम लोग आज जो है एक नए गेस्ट, मतलब स्पेशल गेस्ट नहीं, मेरे लिए तो स्पेशल है, और हम लोग उनका जो नया घर भी है, मतलब नया घर हुआ है, वहाँ पर जाएंगे। और तो फिर चलो ज़्यादा बकबक मत करके व्लॉग को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा सा कमेंट करना हाँ, और शेयर भी कर देना। और आप लोग कमेंट नहीं करते, देखो वीडियो देखते हो लाइक करते हो। तो फिर चलो ज़्यादा देरी करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर मैं अभी आ चुका हूँ ट्रेन में और हम लोगों ने जो है 7:20 का ट्रेन पकड़ा है। और हमारा किस्मत इतना ख़राब है क्या बताओ, सुबह से वेदर ठीक सा था, उसके बाद एकदम से वेदर ख़राब हो चुका है। और लोग देखो कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, इस बारिश को लेके हम लोगों का जो है सब काम करना पड़ेगा, क्या बताओ। और तो फिर हम लोग जो अभी जो है कुन्नगर स्टेशन में आ चुके हैं और हम लोग एकदम से टोटो या ऑटो पकड़ेंगे। और एकदम से टोटो ऑटो पकड़ने के बाद हम लोग जो पहले जो जिस दुकान में जाए थे उस दुकान में जाएंगे, वहां से कुछ ख़रीदारी करने हैं। और हम लोग अभी उस दुकान पे आ चुके हैं और इस दुकान में जो कुछ नए नए कलेक्शन आए हैं और वही सब कुछ लेंगे। और इस दुकान में एक दीदी है जो वीडियो बनाती है, उन्होंने से भी हम लोगों ने कुछ कपड़े खरीदे हैं और वो सब कपड़े आप लोगों को एकदम से घर जाके दिखा दूंगा। और इस दुकान में जो कपड़े हैं ये भी हम लोगों ने खरीद लिए हैं, वो सब कुछ आप लोग एकदम से घर में जाके दिखा दूंगा हाँ। और इस दुकान में आपको सब कुछ की वैरायटीज मिल जाएगी। और मैं उस दीदी का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। और इस दुकान में जो है जो प्रॉब्लम हो आप लोग यहां पर बताना, वॉच एक्सचेंज कर देगा आप लोगों को। तो फिर हम लोग अभी फिर से ट्रेन पकड़ के आ चुके हैं, मतलब जा रहे हैं रिसरा। जो हम लोग स्पेशल गेस्ट भी जाने वाले वो है गोलू सोना के घर में हाँ गाइस। तो नया घर है, फिर चलो अभी ऑटो पकड़ना पड़ेगा। तो मैं अभी जो है गोलू के घर में, मतलब गोलू के नए घर में आ चुका हूँ। और घूमने तो मुझे परेशान कर, कभी इस रोड कभी उस रोड, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा, फिर फाइनली आ चुका। चलो गोलू से आप लोगों की से मुलाकात कर दूँ। मैं गोलू के घर फिर से एक महीने बाद आता हूँ, मतलब मैं आया हूँ। तो अभी चलो गोलू के साथ मुलाकात कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर गोलू का जो नया घर में देखो, गोलू का जो एकदम से नया सीट है, गोलू अब लोग यहाँ पर बैठते हैं। देखो गोलू कितने दिनों बाद गोलू तुमको मैंने देखा, तुम सोच भी नहीं सकते। और देखो गोलू यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठा हुआ है। और देखो किशोरी माँ भी यहाँ पर बैठे, और ये और एक सा गोपाल है, इस गोपाल का नाम है गोगोल सोना, ये भी देखने में कितना क्यूट है। और यहाँ पर जो है गोलू का जो नया रूम है, सिर्फ गोलू का कमरा है, मतलब सिर्फ गोपाल सोना देर के लिए। और इसके बाद यहाँ पर देखे दो जानला भी है, मतलब खिड़की है। और ये जो पूरा जो अलमारी भी है ये भी गोलू का ही है, वहाँ पर सब गोलू का सामान एकदम से भर हुआ है। और यहाँ पर देखो गोलू के साथ कुछ पक्षी भी देख, मतलब मिलने आए हैं। और पक्षियों को देखने के तो हम लोग मतलब कितना अच्छा लगा, पक्षी यहाँ पर आ रहे थे गोलू के साथ खेल रहे थे, मैं तो एकदम से भूल गया था, मैं वीडियो भी बना रहा था। और पक्षी को देख के मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, और गोलू का इनको साथ टाइम चला जाता है। और संचिता दीदी भी, मतलब हमारे नोनी और बोजेश्वरी, मतलब रानी के लिए, नील के लिए, और इसके अलावा जो है मिनी के लिए भी कपड़े बनाए हैं। और लोगों में सब कुछ घर में जाके दिखा दूंगा। और बहन जो है गोलू, रानी, मतलब किशोरी माँ, उन सब के लिए जो है राखी लेके आए हैं, क्योंकि दो मतलब 6 दिन बाद ही जो है रक्षाबंधन है। ये देख सो, ये जो सारे राखियाँ है मेरी बहन ने जो एकदम से हाथों से बनाया है। और आप लोगों से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके बता देना हाँ गाइस। तो फिर अभी जो है गोलू सोना खाना खाने वाले हैं, देख सो तो उनका जो भोग लग चुका है। तो फिर अभी जो है गोलू को खाने दो, उसके बाद गोलू के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तो फिर गोलू तुम ना अभी खा लो हाँ फटाफट से। और गोलू कार मतलब हाथ में कार लेके बैठा हुआ है, और गोलू का खाना हो गया था। और गोलू के लिए हम लोग कुछ गिफ्ट, देखो चॉकलेट, गोलू का जो ये वाला चॉकलेट बहुत ही फेवरेट है, हम लोगों ने इसको वही दिया। और सामने जो जन्माष्टमी आने वाला है, कुछ पैसे गोलू को दे दे, वो अपना मनपसंद चीज़ खरीद लेगा। तो फिर देख सकते किशोरी माँ और गोगोल सोना का भी कुछ कुछ आइटम हम लोगों ने दे दिया है। तो फिर चलो इनके साथ आप थोड़ी देर बाद मिलते हैं।
और अभी जो है बहन गोलू को देख सकते हो राखी पहना रही है, और सब मैंने तो पहले बोला ये सब कुछ राखी जो है बहन एकदम से अपने हाथों से पेंटिंग भी किया है, बनाया हुआ भी है, सब कुछ बहन खुद करी है, हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दी है। और देखो किशोरी माता के लिए भी जो है, किशोरी माता के लिए जो है राधा रानी वाला राखी है, और गोलू के लिए एक जो है गोलू माखन खड़ा है वो एक सा राखी और एक डिजाइन वाला राखी, और जो है गोगोल सोना के लिए एक मतलब साइड फेस कृष्णा, और ये शिजू वाले जो गोपाल के लिए किस तरह से फूलों वाला राखी, कितना अच्छा लग रहा है। और छोटे वाला गोपाल को कैसे पहनाएंगे, देखो बहन ने छोटे गोपाल को भी पहना दिया है, क्या बताओ इस छोटा वाला गोपाल एकदम से कितना क्यूट लग रहा है। और बहन जो और एक साथ राधा रानी था उसको भी राखी पहना दिया है, देख सकते कितना अच्छा लग रहा है सब लोगों को एक साथ राखी में। तो फिर आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन, और ये वीडियो रक्षाबंधन के दिन ही अपलोड होगा गाइस, ओके। फिर तो हमारा जो गोलू के साथ टाइम बिताना हो चुका है, और अभी जो बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, और हमें अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि हम अभी जो है गोलू का जो नया घर है वह है रिसरा पे, पहले श्रीरामपुर था, और हम लोगों को अभी जो श्रीरामपुर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में जो गंगा जल नहीं है, हम लोग श्रीरामपुर से गंगा जल लेंगे। उसके बाद वहाँ से मम्मी के फ़ोन में कुछ ख़राबी आई है, वहाँ का जो है वीवो का जो सर्विस सेंटर है, हम लोग वीवो का सर्विस सेंटर जाएंगे। उसके बाद मुझे भी पता नहीं आज जो है कितने बजे घर जाएंगे, और क्या मतलब बारिश की वजह से इतना हो चुका है पूरा रास्ता एकदम से पानी पानी हो चुका है, और वेदर भी बहुत ही कूल है, क्या बताओ। मैंने तो एकदम से कपड़ा पहन चुका हूँ फिर से टी शर्ट। तो फिर चलो अभी जो है फिर से स्टेशन जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ एकदम से श्रीरामपुर के गंगा घाट में जाके मिलेंगे, ओके चलो। और चलो गोलू के साथ और एक भी लास्ट दर्शन दे देते हैं, और गोलू सोना के पास देखो फिर से पक्षी जो आ चुके हैं गोलू सोना के साथ खेलने के लिए। पक्षी क्या करते हैं गोलू के हाथ में जो खाना होता है ना वो कैसे लेके चले जाते हैं, वो उनका जो पेट भर लेते हैं। और आप लोग लास्ट दर्शन कर लो गोलू के और गोगोल सोना के और किशोरी माता के भी, हम लोग फिर से पता नहीं कब आएंगे, कब गोलू हम लोगों को खींचेगा, हम लोग फट से आ जाएंगे। तो फिर गोलू बाय बाय, गोलू के पास सब्सक्राइब बोल दो, आप लोग सब्सक्राइब कर देना और बेल से ऑल पे सेट कर देना, हाँ। तो फिर हम लोग अभी एकदम से श्रीरामपुर में आ चुके हैं, और श्रीरामपुर के आने के बाद हम लोग जा रहे हैं गंगा पानी लेने के लिए क्योंकि वीवो का जो सर्विस सेंटर है वो बंद है, हमारे साथ एकदम से पोपट हो चुका है, क्या बताओ। तो फिर चलो अभी जो है गंगा पानी लेते हैं और फटाफट घर जाते हैं, बहुत ही टायर्ड हूँ मैं। और देख सकते हो गंगा पानी लेकर, और आज पूरी दिन क्या तो सिर्फ बारिश और बारिश, पानी और पानी, और देखो गंगा मैया के चारों तरफ एकदम से कोहरा ही कोहरा छा चुका है, और हमारा जो है पानी लेना भी एकदम से डन हो चुका है। तो फिर चलो अभी जो है फटाफट निकलते हैं, बोलो जय गंगा मैया की जय हो। और गंगा मैया से पानी लेने के बाद इस बारिश के मौसम में लगी थी थोड़ी भूख, और हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं मोमो, ये चिकन 6 पीस मोमो कितने बजट है श्रीरामपुर पर लोग पता है, ओनली 40 रुपीज़। और सूप जो है नॉर्मल सा था, और देख सकते चिकन के अंदर मतलब मोमो के अंदर कितना अच्छा स्टफिंग भी है, और मोमो खा के देखने से मज़ा आ गया, और बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही है गाइस, क्या ही बताओ। तो चलो हम लोग अभी मोमो खाते रहे, एकदम से ट्रेन पकड़ते और घर जा रहे, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। मोमो खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से हो रही थी बारिश, और हम लोग आ गए थे ट्रेन पकड़ के एकदम से घर, और ट्रेन में था बहुत ही ज़्यादा भीड़, इसलिए उस दिन जो है ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजे, भैया के लिए जो जो कपड़े हम लोग ने खरीदे थे चलो आपको वो सब कुछ एक। तो फिर अभी जो है यहाँ पर देख सकते हो सोनचिता दीदी ने जो है ये वाला कपड़ा मतलब हमारे गोपाल को दिया था, और ये जो फिर से रानी कलर का है, उसके ऊपर जो है रेनबो कलर का जो बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बहुत ही कपड़ा बहुत अच्छा, और हम लोग चारों गोपाल के लिए एकदम सेट था। और इसके अलावा जो ये जो ग्रीन कलर का कपड़ा है ये सिर्फ जो है नोनी और रानी के लिए है, वो छोटे गोपाल जो के लिए नहीं बना पाया, और ये जो है रानी का है, रानी भी पहनेगा कभी कभी जो है नोनी भी पहन सकता है, पता नहीं वो क्या करेंगे अभी। और उस दुकान से हम लोगों ने सब कुछ देखो हमारे गोपाल पे चार मतलब दो गोपाल दो रानी है, हम लोग ऐसे सेट सेट कपड़े खरीदे जो पीच कलर और एक ब्राउन और एक ब्लू कलर, ये जो कपड़े हैं बनारसी कपड़े का कपड़ा था, और छोटे गोपाल के लिए दो चार मुकुट मतलब नील के लिए, और नील के लिए एक धोती भी है, और ये वाला धोती जो है गणपति बप्पा के है, और कुछ कपड़े हम लोगों ने सब कुछ सेट सेट खरीदे थे। और ये वाला जो स्पेशल हम लोग जिस काम के लिए गए थे कोन्नगर में वो है देखो एक जैसे ब्लेजर सूट को सूट बूट है एकदम से, एक है ब्लू कलर का ले लेता और एक था ग्रे और ब्लैक के ऊपर नहीं था हम लोगों ने, और ये वाला जो कपड़ा है उस दीदी ने बनाया के जैसे में उस दीदी।
हाँ मैं नोनी हूँ। आज का वीडियो यहाँ तक, आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और भैया ने शुरू किया और मैंने खत्म किया। आज का वीडियो यहाँ तक, आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर देना और मेरे दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। तो अभी चलो बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय।